ट्विंकल खन्ना द्वारा आमिर खान ने पैडमैन चैलेंज में सैनिटरी पैड के साथ अभिनय किया। ट्विंकल खन्ना ने पद्मन चुनौती के लिए आमिर खान को नामजद किया। अभिनेता आमिर खान ने आज अपने एक दुर्लभ ट्वीट्स को पोस्ट किया, एक सैनिटरी नैपकिन पकड़े हुए खुद की एक तस्वीर। हाँ, यह मेरे हाथ में पैड है और शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, यह स्वाभाविक है, आमिर ने ट्वीट किया। वह अपने दोस्त ट्विंकल खन्ना द्वारा पद्मन चैलेंज में अपनी नई फिल्म की प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए टैग किया गया है। पद्मन ने मुरुगंथम की जिंदगी पर आधारित है पैड बनाने के लिए कम कीमत के आविष्कारक जो ट्विंकल और फिल्म के कलाकारों अक्षय कुमार, राधिका आप्टे और सोनम कपूर को नामांकित करके ट्विटर पर चुनौती को बंद कर दिया। ट्विंकल ने अपनी तस्वीर पोस्ट की और इस चुनौती को आमिर, अभिनेत्री शबाना आजमी और उद्योगपति हर्ष गोयनका को पारित कर दिया। आमिर ने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान को टैग किया है। यहाँ पोस्ट देखें। ट्विंकल खन्ना के पति और आर बालकी द्वारा निर्देशित है यह फिल्म श्री मुरुगनंतम के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने कम लागत वाली सैनिटरी पैड बनाने वाली मशीनों का आविष्कार किया और अपने गांव में मासिक धर्म स्वच्छता पैदा की। ट्विंकल खन्ना ने पिछले महीने ऑक्सफोर्ड यूनियन में पैडमैन के बारे में बात की थी। अपने भाषण में उन्होंने मासिक धर्म के बारे में, वर्चस्व के बारे में बताया और कैसे और ना चला मुरुगनंतम से मुलाकात से उन्हें पैडमैन बनाने के लिए प्रेरित किया। पैडमैन सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक आंदोलन है। मुझे आशा है कि अब महिला को अपने जीव विज्ञान से पीछे नहीं रखा जाएगा या उन्हें शर्मिंदा नहीं किया जाएगा, उन्होंने लिखा है। यह मेरे हाथ में पैड है और इसमें कोई शर्म नहीं है, आमिर ने बिग बी, शाहरुख और सलमान को नामित किया है। पद्मन ट्विंकल खन्ना द्वारा निर्मित है।